दोस्तों, ये जितनी अजीब स्टोरी है उतनी इंटरेस्टिंग भी, जान के आपको बहुत मजा आएगा। 1958 में न्यूयॉर्क में रहने वाले रॉबर्ट लेन का दूसरा बच्चा होता है। अब उसने पहले वाले का नाम विनर रखा होता है, तो उसने सोचा चलो इसका नाम लूजर रख देते हैं। रॉबर्ट को बस ये जाना था कि इस तरह के नाम रखने से होता क्या है। अब विनर लेन और लूजर लेन पढ़ते थे सेम स्कूल में, रहते थे सेम सराउंडिंग में, लेकिन पता नहीं कैसे दोनों की लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़ी वाइल्ड रही। इन दोनों में से एक बच्चा दूसरे से काफी आगे निकल जाता है। वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, पढ़ने लिखने में भी इंटेलिजेंट था, और इसी कारण उसे 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे उसे अच्छा कॉलेज मिलता है और आगे चल के 6-digit सैलरी की जॉब भी मिलती है। लेकिन उसी तरफ दूसरा बच्चा क्रिमिनल निकल जाता है। वो 30 बार अरेस्ट होता है, 2 साल की जेल भी होती है, और आखिर में सब कुछ खोने के बाद वो सड़क पे आ जाता है। खाने तक के पैसे नहीं होते और वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। और गाइस, आपको पता है कि ये क्रिमिनल बच्चा कौन था? विनर लेन। और वहीं सक्सेसफुल बच्चा जिसने लाइफ में सब कुछ उखाड़ लिया होता है, वो था लूजर लेन। और 2002 में दोनों का साथ में एक लास्ट इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें इन भाइयों ने अपनी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताया होता है। वैसे दोस्तों, अगर फनी नाम रखने को मिले तो आप अपने बच्चे का नाम क्या रखोगे मुझे बताना। मैं तो मिस्टर फैक्स दुनिया जूनियर रखूंगा।